हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 30 एमसीक्यूज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताते तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल किला को। देखिए, लाल किला को मिनी ताजमहल कहा जाता है क्योंकि यह विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ किले के निर्माण काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में कराई गई थी और इस भव्य किले का निर्माण 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्यमेव जयते। देखिए, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है और इसका मतलब है सत्य की सदैव विजय होती है और हिंदू धर्म ग्रंथ मुंडकोपनिषद के एक मंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा डॉल्फिन। देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 दिसंबर को। देखिए, किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बंटवारे की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 जून 1947 को। देखिए, 3 जून 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया था और इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र देश बना दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। देखिए, कर्नाटक यह भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 मार्च 1930 को। देखिए, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। ठीक 6:30 बजे गांधी जी ने अपने 79 अनुयायियों के साथ आश्रम छोड़ा और मार्च आरंभ किया और दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। देखिए, चीन यह विश्व में सर्वाधिक कोयले उत्पादन में है। सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह को। देखिए, शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबर झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार में। देखिए, काबर झील पक्षी विहार यह बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर। देखिए, भाखड़ा नांगल बांध यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में सतलुज नदी पर बनाया गया है और यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना जो कि बिहार की राजधानी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। देखिए, पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दो जिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा राज्य। देखिए, गोवा राज्य में मात्र दो जिले हैं और यह सबसे कम जिले वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा जिले वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 तिलियाँ। देखिए, अशोक चक्र में कुल 24 तिलियाँ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1962 में। देखिए भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट। देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और चीन में माउंट कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले में कितने कमरे हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 कमरे। सम्राट अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषा मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृत। देखिए सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा सोना यानी गोल्ड किस देश के पास है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोबी मरुस्थल। देखिए गोबी मरुस्थल यह चीन और मंगोलिया में स्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी मरुस्थल यह दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहाँ तापमान 0 से 40 डिग्री तक नीचे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी सीमा किस देश की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा की। देखिए विश्व की सबसे लंबी सीमा है कनाडा देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत रत्न। देखिए भारत रत्न यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटेन व प्रोपेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी। देखिए गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लिवरपूल रेलवे स्टेशन। देखिए लिवरपूल रेलवे स्टेशन यह दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और इसे 15 सितंबर 1830 के दिन खोला गया था, जिस वजह से यह आज दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।